All I've seen. नीलेश्वर महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर सतयुगी मंदिर है। यहाँ से वीरभद्र जी को प्रकट करके महादेव जी ने राजा दक्ष जी का यज्ञ विध्वंस किया। साथ ही ये जो स्थान है नील पर्वत पे विराजमान स्थान है। नील पर्वत की महत्वता स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक बताई गई है। साथ ही साथ में नीलेश्वर महादेव की भी महिमा स्कंद पुराण में बताई गई है। और यहाँ से ही आगे नीलकंठ महादेव पर्वत है, तो विषपान करके भोले बाबा यहाँ से ही इन्हीं पर्वतों से होते होते नीलकंठ महादेव जाके तप किया महादेव जी ने। तो ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जल मात्र चढ़ाने से ही काफ़ी कल्पों तक वो है शिवलोक में वास करते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का पूरा व्यू। आज हम आपके लिए व्लॉग बनाने आ गए हैं नीलेश्वर महादेव पे। पहला शिवलिंग तो ये है दोस्तों, ये देखिए शेषनाग के रूप में यहाँ पे शिवलिंग जी महादेव साक्षात मार विराजमान है। और अंदर के दर्शन हम आपको करवाएंगे इसके बाद। और यहाँ पे हमारे दोस्त सचिन उपाध्याय जी खड़े हुए हैं। और इधर का ये मंदिर ये रहा सामने, जिसके दर्शन हम अभी आपको अंदर जाके करवाएंगे। बाकी ये सामने वाटिका का व्यू देख लीजिए आप, अभी बाकी के दर्शन हम आपको करवाते हैं। तो ये देखिए गाइस, हम आ गए हैं नीलेश्वर महादेव पे। ये देखिए गाइस, अंदर महादेव का शिवलिंग नीलेश्वर महादेव। ये देखिए यहाँ नंदी जी विराजमान है और सामने शिवलिंग है और इतनी बड़ी घंटी। बहुत साक्षात दर्शन और तथा शीघ्र भेंट महादेव के हम आपको करा रहे हैं अपने माध्यम से। तो मित्रों बने रहिए व्लॉग में हमारे साथ, दिखाते हैं हम आपको। इसके बाद महादेव के तो दोस्तों जैसा कि हमने दिखाया आपको, यहाँ महादेव के दर्शन हमने आपको कराए हैं नीलेश्वर महादेव के। और इधर देखिए गणेश जी इधर विराजमान है। और सामने हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सामने बजरंगबली माता पार्वती। आज का ब्लॉग हमने सोचा क्यों ना यहीं का बनाया जाए। तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना था, वीडियो दो तीन दिन से अपलोड नहीं करी थी हम लोगों ने। तो आज हम आपके लिए ब्लॉग अपलोड करने के लिए और शॉर्ट्स वीडियो के लिए इतनी दूर आ गए हैं। अपने घर से करीबन 4 किलोमीटर दूर आए हैं जंगल के रास्ते होते हुए। पूरा जंगल का रास्ता पड़ता है दोस्तों। तो अभी इतना ही ब्लॉग रहेगा, तो चलो मिलते हैं बाद में। एक चीज़ और रह गई थी गाइस, इसका एड्रेस बताना। नीलेश्वर महादेव पड़ता है गाइस हरिद्वार चंडी घाट, चंडी देवी मंदिर का जो ट्रॉली का रास्ता पड़ता है उस वाले रास्ते पे, जस्ट थोड़ी सी आगे आके हाईवे पे ही वहीं से ऊपर को रास्ता आता है एक जंगल की तरफ को, वहाँ पे ये मंदिर आपको नीलेश्वर महादेव वहाँ पड़ेगा, उसके दर्शन होंगे महादेव के साक्षात स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन आपको वहाँ पे होंगे।
जब भी आपको वक्त मिले, टाइम मिले, तो आए और महादेव के दर्शन करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।